नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति मंडी की व्यवस्था जब खत्म की, महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है? क्यों नहीं आप जो है दो शब्द भी नहीं बोल रहे? नमस्कार, नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। हमारे पीछे राबड़ी आवास है, जहां पे कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कल 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनाई जानी है उसको लेकर एक बैठक भी किया है, जिसमें कई वामपंथी दल, कांग्रेस और महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वह शामिल थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। सभी हमारे आज महागठबंधन के नेता, वामपंथी दलों के, कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, आज हम लोगों की बैठक थी। कल जो हम लोगों का मानव श्रृंखला होने जा रहा है तीन काले कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर के जो तैयारियां हैं उसको लेकर के हम लोगों के बीच चर्चाएं हुई हैं, और हर जिला में लगभग जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके जो है तैयारी की जा रही है। आज राष्ट्रपति जी का भाषण था, कल जो फैसला हुआ था, लगभग 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति जी के भाषण का बहिष्कार किया और आज सुबह तक 19 पार्टियां होंगी, तो साफ दिखाता है कि जो मौजूदा जो सरकार है, जो किसानों पर काला कानून थोपना चाहती है, ये किसानों के अस्तित्व का सवाल है। और लगभग देश के 80% आबादी को प्रभावित करता है ये कानून, और किसान कई महीनों से लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि ये काला कानून उनको नहीं चाहिए। बड़ी स्पष्ट बात है, किसानों को पता है कि उनका हित किसमें है, भला किसमें है। जब किसानों को आपत्ति है इस काले कानून से, तो सरकार की आखिर कौन सी ऐसी बेचैनी है कि जबरदस्ती जबरन ये काला कानून जो है वो किसानों पर, देश के 80% लोगों पर थोपना चाहते हैं? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है? हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो MSP मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। ये पूरा कानून जो है अन्नदाताओं के लिए नहीं बल्कि फंड दाताओं के लिए। पूरे देश भर के किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की यह तैयारी चल रही है। हम लोग बार बार, शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, CPI, CPML, CPM, RJD के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि APMC कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करे, जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी, उसको जो है लागू किया जाए। हमने कई बार ये भी कहा है, और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जा करके देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो MSP से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति मंडी की व्यवस्था जब खत्म की, तब से हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया, और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। हम लोग
महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं, कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं, क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है, क्यों नहीं आप जो है इस पे दो शब्द भी नहीं बोल रहे, आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के, क्या मजबूरियां हैं। और 2006 से जब से एपीएमसी कानून उसके बाद से बिहार के किसान लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है ये बताना चाहिए लोगों को सामने आकर के। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव सूबे के मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर होते नजर आए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जितने सारे अपने मन से जो वो कानून बना रहे हैं उसको लेकर जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो वो सीएम को जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ कल जो कृषि बिल है उसको लेकर, जो कल मानव श्रृंखला है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।